चलो स्टार्ट करो। हाँ, तीन सिस्टम होता है ना भाई। चलो हम लोगों को क्या पढ़ना है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ व्हाट एंगल्स, या फिर एंगल भी लिख सकते हो, एंगल भी लिख सकते हो, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। राइट नाउ वी आर इन क्लास टेंथ एंड डिस्कसिंग गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू व्हाट, ट्रिग्नोमेट्री। किससे रिलेटेड है भैया? ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ेंगे हम लोग इसको, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग व्हाट, नहीं ट्रिगो नहीं सर, ये ट्रिगो कुछ नहीं होता है, ट्रिगर नहीं दबाना है, ट्रिगो कुछ नहीं होता है, क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ठीक है। नहीं शॉर्ट फॉर्म कुछ होता ही नहीं लाइफ में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जो है कुछ नहीं होता है। चलो एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग जब एंगल को मेजर करते हैं, एंगल को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो क्या होता है, जनरली हम लोग अभी तक क्या यूज़ करते हैं, डिग्री का यूज़ करते हैं, किससे यूज़ करते हैं, डिग्री का यूज़ करते हैं, लेकिन क्या डिग्री के अलावा भी कुछ है? तो कल हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग व्हाट, सर्कुलर मोशन। किसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी, ध्यान दो मेरी बात, सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये क्या अपना सर्कुलर पाथ, सेंटर ले लो इसको रेडियस, मान लो एनीबॉडी स्टार्टेड फ्रॉम पोजिशन ए, एनीबॉडी स्टार्टेड इट्स मोशन फ्रॉम पोजिशन ए एंड आफ्टर सम टाइम रीच्ड एट पोजिशन बी। कहाँ पहुँच गया भाई? ए से चला और ये बंदा पहुँच कहाँ गया, ये बॉडी जो है ये पहुँच गया अपना पॉइंट बी पे। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें थी सर्कुलर मोशन में, और दो चीज़ था, एक था क्या मोशन जब भी आता तो एक आता डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एक आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल की बात होती है और डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ बॉडी, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स मोशन कह सकते हो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, ये जो कॉर्ड ए बी होगा वो होगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, होगा कि नहीं होगा? मतलब ये हो गया ए से बी, जो ये कॉर्ड ए बी है दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वो कौन होगा? आर्क ए बी। कौन होगा? लेंथ ऑफ आर्क ए बी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी। अब ए बी का हम लेंथ कैसे निकालें? क्वेश्चन ये है कि ए बी का लेंथ कैसे निकालें, बताओ कैसे निकालें? हाँ कैसे निकालेंगे बताओ कोई भी? इसका रेडियस कितना है? रेडियस हमने इसको मान लिया आर। हाँ सर बोलिए, कौन बोला था बोलो? नहीं जिसको बोलना है बोल लो, क्या बोलना बोलो। अरे कंसीडर कर लो कि ये जब बॉडी मूव करा तो यहाँ जो एंगल बन रहा है या आर्क जो बना, ये कुछ सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, दैट इज नोन एज सेंट्रल एंगल, या फिर कहते हो डिग्री मेजर ऑफ आर्क, ये भी पढ़े हो ना क्लास नाइन्थ में, डिग्री मेजर ऑफ आर्क। लेट अस कंसीडर दिस एज थीटा। क्या कंसीडर हमने कर लिया? थीटा। आर्बिट्ररी वैल्यू है, मतलब जरूरी नहीं कि हम थीटा लिए तब भी थीटा लो, आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है, आप कुछ और भी ले सकते हो। अब ध्यान, अब ये जो लेंथ ए बी निकालना है, अगर ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर कोई फील्ड है उसका अगर हमको सर्कमफ्रेंस निकालना हो, क्या यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो? टू पाई आर, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू यूज़ करते हो। ये टू पाई आर कैसे हो गया? देखो ठीक है, इसका एक्चुअल वेरिफिकेशन पर हो गया आगे के क्लासेस में, बट थोड़ा सा अगर हम लोग लॉजिकली समझने की कोशिश करें तो देखो, ये आर डिस्टेंस के साथ, लेंथ क्या है? आर है। आर डिस्टेंस के साथ कोई बॉडी क्या कर रहा है? मूव कर रहा हो ना, सर्कुलर पाथ मूव कर रहा हो ना। तो ये जो एंगल बना आफ्टर अ कंप्लीट रोटेशन कह लो, हाँ ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 360 डिग्री। क्या भाई? और इसी एंगल के साथ कहीं ना कहीं बॉडी क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। लेंथ ऑफ आर्क नहीं पढ़े हो, आपने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में एक्चुअली व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ा हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर मान लो, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कौन है, क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एक हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कब होगा?
इज अ बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा, और एक होगा एंगुलर वेल क्या डिस्प्लेसमेंट, वो कब, जब सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करेगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब कि एंगल में कितना डिस्प्लेसमेंट आया, भाई यहाँ था ये बंदा कहाँ पहुँच गया, ये बॉडी कहाँ पहुँच गया, पॉइंट बी पे, तो ए से बी गया तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, ए ओ बी क्या बन रहा, इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। मतलब क्या, थीटा, इस एंगल का मेजर हमने क्या ले रखा है, थीटा। अब थीटा का लेंथ क्या होता था, याद करो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एल बाई आर होता था, क्या होता था, एल बाई आर होता था। एल क्या था वहाँ पर, एल क्या था, लेंथ था किसका, एल से तो अच्छा बात है, लेंथ, एल फॉर लेंथ होता है, लेंथ बोल दिए, आर फॉर रेडियस। हमने पूछा सर एल से किस चीज़ को डिपेंड करते हैं, लेंथ को डिपेंड करते हैं, बट किसके लेंथ को, ये जो है ना आर के बी, इसके लेंथ को, लेंथ ऑफ पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय द मूविंग बॉडी ऑन द सर्कुलर पाथ, यू कैन से। ये एल जो था ये लेंथ ऑफ आर्क था, ध्यान समझना मेरी बात, ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन, बोलो, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जब सर्कुलर फील्ड है पूरा कंप्लीट रोटेशन आपने करा तो टोटल लेंथ आपने कितना ट्रेवल करा, 2πr, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करा वो क्या होगा, 2πr। अच्छा, किससे डिवाइड कर रहा हो, आर से, क्या बचा तुम्हारे पास, 2π, ये क्या है तुम्हारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो एंगल डिग्री में है ही नहीं, डिग्री में है एक, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं कि लेंथ क्या है, थीटा मल्टीप्लाइड, थीटा मल्टीप्लाइड, लेकिन ये जो थीटा है ना ये क्या है, एंगल, या फिर सेंट्रल एंगल कह लो सीधा, या फिर लिखो एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एट इट्स व्हाट सेंटर, बट ये डिग्री में नहीं है, ये किस में नहीं है, ये डिग्री में नहीं है। तो डिग्री में नहीं है तो कौन चीज़ में होगा भाई, ये होगा रेडियन में, क्या होगा, मेजर्ड इन, मेजर्ड इन रेडियन, ये नया नाम आ गया, इट्स कम्प्लीटली न्यू, ऐसा नहीं है, क्लास नाइन जो अगर पढ़ा होगा आपने फिक्स सही ढंग से तो वहाँ पर ये चीज़ें जिक्र हुई होंगी, एल इक्वल्स टू थीटा मल्टीप्लाइड आर। अब ये थीटा क्या है, 360, अगर हम कंप्लीट रोटेशन की बात करें तो थीटा कितना है, 360, इसको मल्टीप्लाई किससे करो, तो जो एंगुलर वैल्यू हम बात करेंगे पाई कैसे 180 देगा, पाई की जो एंगुलर वैल्यू है वो कितनी है, 180 डिग्री, तो 2π का मतलब क्या हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स यू विल गेट 300, कुड 360 डिग्री बी रिटन एज 2π, लिख सकते हैं क्या हम 360 डिग्री को, क्या लिख सकते हैं, 2π। तो यहीं से आता है कहीं ना कहीं आपका सरकम फरेंस, पढ़ोगे आगे इसी क्लास में, पढ़ना हम लोग को एक चैप्टर दैट इज नोन एज एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, उसमें हम लोग बात करेंगे कि लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करते, देखो 2πr थीटा मल्टीप्लाइड 360 डिग्री, लेकिन यहाँ पर जो थीटा होगा वो क्या होगा, डिग्री में होगा। जैसे मान लो एक कोई मूविंग बॉडी है, इसको क्या कहते हो बता दो, इसका नाम क्या है, क्या कहते हो इसको, क्वाड्रेंट कहते हो, इस एक पोर्शन को क्या कहते हो, क्वाड्रेंट कहते हो, कब, जब आर्क क्या करता है, सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करता है बेटा, 90 डिग्री का, कितना, ठीक है। तो अगर थीटा के प्लेस पे 90 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा तुम लोग 180 वाला तो इजीली समझते हो, 180 ले लो, कितना ले लो, 180, तो 180 यहाँ डालोगे तो 180 बाई 360 कितना होता है, 2, 2 से ये 2 कैंसिल होता कितना होता है, तो सेमी सर्कल का जो लेंथ होता है वो πr होता है, ये तो तुम जानते हो, ये जानते हो ना भाई, तो यहीं से ये डेराइव होगा, करेंगे बातें उसकी। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर हमें समझनी, पहला तो ये याद रखोगे एल इक्वल्स टू क्या, थीटा मल्टीप्लाइड आर है, या फिर थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर है, एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क कह सकते हो, आर्क क्या, सर्कल का पार्ट ही तो है, ये दो चीज़ याद रख सकते हो।
तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पढ़ना था। लेकिन थीटा किस चीज़ में मेजर है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, डिग्री में नहीं। ठीक है, बात करेंगे अब। तो वहीं से हम कहना चाह रहे हैं कि एक रेडियन आया, एक क्या है डिग्री, एक किस में मेजर कर रहा हो एंगल को, डिग्री में, एक किस में मेजर कर रहा हो रेडियन में, एक तीसरा भी है, एक थर्ड भी है। मतलब कि वी हैव थ्री सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल के। कितने सिस्टम है भाई मेजर करने के लिए? तीन है। कौन कौन है? एक जिसके हम गुलाम थे, एक जिसके हम किसके गुलाम थे भाई? डिग्री के गुलाम थे। अरे वाह, आवर कंट्री मतलब हमारा जो देश है अपना, हाँ भारत इंडिया, वो किसके अंडर था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में था। तो एक हमारा होगा ब्रिटिश सिस्टम, एक हो जाएगा। ठीक है, अभी मत कहना कि भाई उसका तो फ्रांस का राज चला क्या कि फ्रेंच सिस्टम फॉलो करते, नहीं, एक फ्रेंच सिस्टम है और तीसरा है सर्कुलर सिस्टम। लिखोगे, टॉपिक डालोगे, ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं है, एक बार समझने के लिए थी। लिखोगे टॉपिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। देयर आर देयर आर थ्री सिस्टम्स ऑफ There are three systems of measurement of angle. There are three system of measurement of angle. मेनली भी लिख सकते हो। द फर्स्ट वन ब्रिटिश सिस्टम। व्हाट? सेकंड है फ्रेंच सिस्टम एंड थर्ड क्या हो जाएगा? सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, सर्कुलर को और हम लोग रेडियन भी कहते हैं। सर्कुलर सिस्टम में सिंपली हम लोग रेडियन में ही मेजर करते हैं, इसलिए रेडियन भी कह सकते हो इसको। इसको क्या कह सकते हो भैया? रेडियन बता रहे हैं। फ्रेंच को और क्या कहते हैं आप ही बता लीजिए? सेंटेसिमल। व्हाट? सेंटेसिमल सिस्टम। क्या कहते हैं? सेंटेसिमल। और इसको कहते हैं सेक्सागेसिमल। सेक्सागेसिमल थोड़ा सा यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसको ये मेरा हो जाता है, थोड़ा सा यही वही चेकआउट कर रहे थे। ब्रिटिश सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज सेक्सागेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। फ्रेंच को क्या कहते हो? सेंटेसिमल कहते हो, और सर्कुलर को सिंपली रेडियन कह सकते हो। क्या कह सकते हो? रेडियन कह सकते हो। धैर्य रखिए, बी पेशेंट। फर्स्ट डालिएगा टॉपिक ब्रिटिश सिस्टम। लिखेगा ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, इन दिस सिस्टम ऑफ लिखना नहीं पड़ेगा मुझे, लिख लोगे? इन दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल कॉमा द एंगल्स आर मेजर्ड मेनली इन
मेनली इन डिग्री, मेनली इन डिग्री कॉमा मिनट्स एंड सेकेंड्स। डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड्स, तीन चीज़ें हो गई। क्या हो गया? डिग्री हो गया, मिनट्स हो गया, और क्या हो गया भाई? सेकेंड्स हो गया। ठीक है, क्या हुआ बुआ? क्लास नाइन तो बनाए थे ना, डिग्री मिनट सेकेंड्स आया था उसमें, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए और सप्लीमेंट निकालने के लिए क्वेश्चन करे थे, याद आ रहा दक्ष बाबू? चलिए याद आना चाहिए। हो गया, ये लाइन हो गया। क्या लिखे कि इन दिस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल्स आर मेनली मेजर्ड इन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स। लाइन चेंज कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लिखा रहे हैं, बस समझा दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि वन राइट एंगल इक्वल्स क्या लिखना है? 90 डिग्री। अभी लिखना नहीं है, समझिएगा। वन डिग्री इक्वल्स क्या होता है? 60 मिनट्स। वन मिनट का मतलब क्या होता है? 60 सेकेंड्स। अभी लिखोगे कुछ नहीं, लाइन चेंज कर लिखना है कि अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज अ डिग्री। राइट एंगल इज डिवाइडेड इंटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज अ डिग्री। उसको क्या कहते हैं? एक डिग्री कहते हैं। दैट इज वन राइट एंगल इक्वल्स वॉट? 90 डिग्री। ओके, हो गया। फिर से लाइन चेंज कर लिखेंगे, उसी तरह से हो जाएगा कि वन डिग्री, देखे भाई सिंपल सा बात, पहले समझ लो कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड की और हर एक पार्ट को क्या कहें? वन डिग्री कहें। वन पार्ट वन डिग्री, तो 90 पार्ट्स है ना, तो कितने डिग्री हो गए? वन राइट एंगल का मतलब कितना हो गया? 90 डिग्री। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि फर्दर अगर हम वन डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट्स में? 60 इक्वल पार्ट्स में, और ईच एंड एवरी पार्ट इज नोन एज वन मिनट। उसको क्या कहते हैं? वन मिनट। और वन मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए तो उसको क्या कहें? वन। हर एक पार्ट को क्या कहें? सेकेंड कहें। ठीक है, वही तीन लाइन लिखना है। थोड़ा सा कुछ कहने की इच्छा तो मने मन कह लेना, कुछ खुल के मत कहना, लेकिन लिखना पड़ेगा। लिखो, हम मन में कह सकते हैं। अ डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज अ मिनट एंड ईच पार्ट इज नोन एज हो गया, लिख लिए, लिख लोगे इस लाइन को। देयरफॉर वन डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स।
लिखोगे लास्टली फर्दर वन मिनट फर्दर वन मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज अ सेकेंड. उसको क्या कहेंगे, एक सेकेंड कहेंगे. और ये वाला लाइन लिख लोगे, हो गया. मतलब अगर हमें लिखना है वो देखो, अगर 90 डिग्री है और हमें इसको लिखना है, तीनों से पार्ट को यूज़ करना है, डिग्री को भी, मिनट्स को भी और सेकेंड्स को भी, तो क्या करेंगे. इसको लिख सकते हैं 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री, लिख सकते हैं ना, 90 हो गया ना. फर्दर 89 डिग्री को क्या हम 60 मिनट्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. 60 मिनट्स को क्या हम 59 मिनट्स प्लस 1 मिनट लिख सकते हैं. तो फाइनली क्या हो गया, 89 डिग्री 59 मिनट्स 60 सेकेंड्स. ठीक है, एक्चुअली क्लास ये 9th का है, 10th का है नहीं, क्लास 9th है, पढ़ना था, पढ़े होंगे आप लोग उम्मीद करते हैं. चलो हो गया, लिख लीजिए सर एग्जाम्पल में. अरे आप तेज विद्यार्थी है ये, हम उतने तेज नहीं ना थे या ना हैं, क्या कहिएगा. हो जाएगा तो सेकंड डालिएगा, फ्रेंच सिस्टम. सेकेंड क्या लिखेंगे, फ्रेंच सिस्टम. इसको मिटा दे भाई. देखो फ्रेंच सिस्टम में क्या हुआ, वहाँ डिग्री में मेजर नहीं करते, अब किस चीज़ में मेजर करते, तो क्वेश्चन ये है किस चीज़ में मेजर करते. ग्रेड में क्या होता है, वहाँ ग्रेड होता है, क्या होता है ग्रेड. वो क्लास वाला ग्रेड नहीं, स्टैंडर्ड, वो स्पेलिंग वही है, वही है जी आर ए डी ई. यहाँ क्या करते हैं, बट वहाँ कितने पार्ट्स में राइट एंगल वो डिवाइड कर रहे थे, 90 इक्वल पार्ट्स में. यहाँ डिवाइड करेंगे निखिल कितने पार्ट्स में, कौन बोला, तुम बोलो 100, कौन बोला, बोला अंदाजी गोली मार देना है. चलो फिट बैठ गया हुआ, लिखोगे इन दिस सिस्टम एंगल्स आर मेजर्ड इन दिस सिस्टम एंगल्स आर मेजर्ड इन ग्रेड्स कॉमा मिनट्स एंड सेकेंड्स. ग्रेड्स मिनट्स एंड सेकेंड्स. ठीक है, लाइन चेंज करके लिखोगे, अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज ग्रेड. और इसको हम लोग क्या करते हैं ना, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, 90 ग्रेड, सॉरी 90 नहीं, कितना होगा 100, कितना हो जाएगा वो यहाँ पर 100 ग्रेड्स. और राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू आज नहीं स्टार्ट होने वाला है दीदी, सब बंद रखिए, सब स्टार्ट नहीं होने वाला है. लिख ले बुआ, ठीक है. फर्दर, लेकिन यहाँ पर जो अभी हम लोग बात करते हैं, जनरली हम लोग कहते भी हैं कि वन मिनट में कितना सेकंड्स होता है, 60 सेकेंड्स होता है ना, होता है ना. अब ये चेंज होने वाला है, अब ये चेंज होने वाला है, कैसे चेंज होगा वो जरा हम लोग अभी देखेंगे. नहीं चलो फर्दर वन ग्रेड लिखोगे, फर्दर ये हो गया ना यहाँ तक,
फर्दर वन ग्रेड इज डिवाइडेड इंटू 100 equal parts and each part is known as a minute. इसको क्या कहते हैं भैया? 1 minute कहते हैं. मतलब कि 1 grade में कितने minutes हो जाएंगे? 100 minutes. अरे 100 equal parts में डिवाइड ना करें हैं, तो 100 equal parts में डिवाइड करें. 1 part को क्या कर रहे हैं? 1 minute कर रहे हैं. तो 1 grade में कितने minutes हो जाएंगे? 1 grade में 100 minutes. That is 1 grade equals to 100 फिर लाइन चेंज करेंगे और लिखेंगे कि फर्दर 1 मिनट इज डिवाइडेड इंटू 100 equal parts एंड ईच पार्ट इज नोन एज अ सेकेंड. मतलब यहाँ 1 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा? 100 seconds. 1 मिनट में कितने हो जाएंगे भाई? 100 seconds हो जाएंगे. बट इन फ्रेंच सिस्टम, ये ब्रिटिश में नहीं होगा. क्या हुआ भाई? समस्या है? नहीं समझ में आ रहा बात? नहीं आ रहा है? वो छूट गया. अच्छा लिख लीजिए. देखो तो यहाँ का 1 मिनट का वैल्यू अलग है एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश सिस्टम. मतलब 1 मिनट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम डज नॉट इक्वल टू 1 मिनट ऑफ फ्रेंच सिस्टम. सिमिलरली 1 सेकेंड ऑफ ब्रिटिश सिस्टम डज नॉट इक्वल टू 1 सेकेंड ऑफ फ्रेंच सिस्टम. ये लाइन को लिख लोगे, मतलब ऐसे लिख लोगे, 1 मिनट ब्रिटिश डज नॉट इक्वल टू 1 मिनट ऑफ फ्रेंच सिस्टम एंड 1 सेकेंड ऑफ ब्रिटिश सिस्टम डज नॉट इक्वल टू 1 सेकेंड ऑफ फ्रेंच सिस्टम. ये दोनों अलग अलग हैं, कभी इक्वल नहीं कर सकते आप. और हम लोग किसको फॉलो करते हैं? ब्रिटिश सिस्टम को. तो हम लोग का मतलब हो गया 1 मिनट में कितना सेकेंड्स होगा? 60 सेकेंड्स होगा. यस सर. फ्रांस के लोग जाना है क्या? आज जहाँ पे फ्रांस रूल करा होगा, ठीक है, जहाँ जिस कंट्री में फ्रांस रूल करा होगा अपने टाइम, वो फ्रांस भी तो साथ ब्रिटिश के अंदर में था क्या? टाइम टोटली वही होगा, क्योंकि डिवाइड तो 1 राइट एंगल पर कर रहा. फाइनली वो तो बराबर है. वो यहाँ 100 में करा. बढ़े सर. लास्ट है अपना, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है अभी भी आगे भी. और वो क्या? अपना थर्ड लिखोगे सर्कुलर सिस्टम. देखो ये सबसे अलग है. क्या है? सबसे डिफरेंट है. इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, बस इसमें एक ही यूनिट है, दैट इज़ रेडियन. एक ही यूनिट, बाकी में था ना डिग्री है, मिनट्स है, सेकेंड्स है, ग्रेड्स है, मिनट्स है और सेकेंड्स है. बट इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम क्या है? ओनली 1 यूनिट है. वो क्या है? क्या है भाई? क्या है? रेडियन है. ठीक है,
लिखिएगा इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम एंगल्स आर मेजर्ड इन रेडियन, रेडियन। तो रेडियन को सिंबॉलिकली ना, या तो फिर सिंपली क्या करते हैं ऐसे स्मॉल सी, छोटा वाला करा देते हैं स्मॉल सी, सच दैट टू राइट एंगल्स इक्वल टू पाई रेडियन। टू राइट एंगल्स कितना हो जाएगा, पाई रेडियन, ठीक है। अच्छा, टू राइट एंगल्स को अगर हम ब्रिटिश से मेजर करें तो वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। टू राइट एंगल्स ब्रिटिश सिस्टम में क्या है, 180 डिग्री। फ्रेंच में क्या है, ये 200 ग्रेड्स हो जाएगा। 200 ना होगा, वन राइट एंगल में 100 ग्रेड्स है, तो टू राइट एंगल में कितना हो जाएंगे, 200 ग्रेड्स हो जाएंगे। दैट मीन्स एक चीज़ याद रखना है, डिग्री का 180 डिग्री का इक्वल होता है किसका, ग्रेड का 200, ठीक है, और रेडियन का कितना, पाई, रेडियन का पाई। ये तीनों क्या है, इक्वल है। डिग्री 180, ग्रेड्स में 200, रेडियन में पाई, ये तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है, और हमको मतलब इनसे और इनसे है। तो डिग्री का 180 रेडियन का पाई बराबर है, हमको इसी से मतलब है। दैट मीन्स कह सकते हो सिंपली कि 180 डिग्री ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई रेडियन के। और सिंपली हम इसको क्या लिख लेते हैं, पाई लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, पाई। इसको लिखोगे और इसको लिखोगे, याद होगा बचपन में जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते थे एक्यूट एंगल का, ऑब्ट्यूज एंगल का, तो समटाइम्स ये हुआ करता था कि बुक में लिखा हुआ रहता था द एंगल लेस देन 90 डिग्री, नहीं लिखा हुआ रहता था वहाँ, वन राइट एंगल। हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं भैया, आना हम सही, हो गया सर, करते थे ना ये चीज़, वन और एक्यूट एंगल को डिफाइन करते थे द एंगल विच मेजर्स लेस देन वन राइट एंगल। तो ज़्यादा अच्छा कौन था, वन राइट एंगल के 90 डिग्री। 90 डिग्री जैसे ही बोल दिया ना, तो वो स्पेसिफाई कर लिया कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम की बात होगी। जब वन राइट एंगल करे तो किसी भी सिस्टम में वर्क करेगा, इसलिए मोस्टली जो बेहतर बुक है उसमें आपको 90 डिग्री के प्लेस पे वन राइट एंगल लिखा हुआ है, या फिर टू राइट एंगल्स, जो 180 डिग्री है उसके प्लेस पे टू राइट एंगल्स लिखा हुआ है। जैसे ऑब्ट्यूज का डेफिनेशन होगा तो मोर देन वन राइट एंगल बट लेस देन टू राइट एंगल्स, तो सब में आ जाएगा, वो सिस्टम सर्कुलर हो, फ्रेंच हो, या फिर हम लोग जो फॉलो करते हैं दैट इज़ ब्रिटिश हो, किसी में भी वो काम करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे 90 डिग्री 180 डिग्री यूज़ कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो स्पेसिफिकली किसके लिए काम करेगा, ओनली फॉर द ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें हम लोग करें ही क्यों, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री मतलब पता है कि मेजरमेंट की बात, ट्राई से क्या आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, मतलब एक ट्रायंगुलर फील्ड है अगर हमारे पास, अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे, इफ यू हैव एनी ट्रायंगुलर फील्ड, जरूरी नहीं कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही, अभी फिलहाल चूंकि क्लास 10th है तो यहाँ पर्टिकुलरली काम करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। कभी ऐसा बना हो क्वेश्चन, बुआ एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ का जो एंगल है बेटा 60 डिग्री है, कितना है
और इसका इस साइड का लेंथ है 6 सेंटीमीटर और इस साइड का लेंथ है 8 सेंटीमीटर, इसका एरिया क्या होगा? नहीं, राइट एंगल का यहाँ पर कोई केस नहीं है, और अब मुझे पता भी नहीं कि कोई एंगल यहाँ पर राइट एंगल है या फिर नहीं है, आई डोंट नो। जस्ट वी हैव गिवन अ ट्रायंगल विच हैविंग थ्री साइड्स तो होगा, बट उसके दो साइड का मेजरमेंट दे रखा है और उनके बीच का जो एंगल है, उनके बीच का जो एंगल है वो दे रखा है, मतलब एंगल इंक्लूडिंग द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल जिसका मेजर दे रखा है। हाउ कुड वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, कैसे निकालेंगे? और मुझे पूरा उम्मीद है कि हम क्लास 9th जो कि मूव करके क्लास 10th में आए हैं उनको हम ये बता रखे हैं, मतलब दो लोग जो हैं वो नहीं बताएंगे तो उनको तो हम क्या कहें, नहीं विशेष कुछ कह सकते। आज तक ये क्वेश्चन देखे हैं? नहीं देखे हैं, देखे ही नहीं, एक्चुअली देखे ही नहीं है इस क्वेश्चन को, एकदम कम्प्लीटली न्यू है आपके लिए, नहीं देखे हैं सर। कितना भी दिमाग लगा लीजिएगा ये क्वेश्चन फिलहाल आपसे नहीं बनेगा, आप कर लो कंस्ट्रक्शन जितना करना है कर लो कंप्लीट। आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे है ना, कल वीक ऑफ है, संडे को मेरा क्लास आपके क्लास में होता नहीं है, सीधा मिलेंगे हम लोग कब, मंडे को। कब मिलेंगे सर? मंडे को। कंप्लीट आप इसे मैथ्स छोड़ के सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, मैथ्स में बस यही एक क्वेश्चन करना है, साथ में, साथ में NCERT के रियल नंबर्स है सारे क्वेश्चंस कर लेने, चैप्टर रियल नंबर्स का सारा क्वेश्चन कर लेना किससे, NCERT से, और वो प्रॉपरली चेक होगा। नहीं चेक करवाएंगे, स्कूल वाला कॉपी दिखाइएगा सर। अरे वाह, अरे वाह, एक पंथ दो काज है, चलिए ठीक है, वो बातें बात की होंगी। तो इस क्वेश्चन पे भी काम करके देखना है क्या पॉसिबिलिटी है, कि आप जो करना है करो, यू आर फ्री, यू आर कम्प्लीटली फ्री टू डू एनीथिंग विद दिस क्वेश्चन, जस्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। हम ये थोड़े कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, फिलहाल जितना आप जानते हो उसमें शायद नहीं बनेगा, हम ये कह रहे हैं, दिमाग लगाइए। यहाँ 90 डिग्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं है भी नहीं, चलो 90 डिग्री है भी नहीं, लेकिन 90 डिग्री वाले ट्रायंगल से फॉर्मुलेट करके इस पर दिमाग लगा सकते हो, अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो। अब दोनों इक्वल हो जाएगा ऐसा कैसे, ये दो साइड जो डिफरेंट है इसके अपोजिट एंगल्स भी तो डिफरेंट होंगे भाई, द साइड इफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ अनइक्वल लेंथ आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, द एंगल अपोजिट टू क्या था बहुआ, द एंगल अपोजिट टू, बोलो इसका क्या था थ्योरम दक्ष भैया, क्या था थ्योरम, किसके अपोजिट बड़ा होगा किसके अपोजिट छोटा होगा ये बताओ, उल्टा बोल दिया, उल्टा हो गया, द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर या फिर ग्रेटर एंड द एंगल अपोजिट टू व्हाट स्मॉलर साइड इज स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर साइड के सामने वाला एंगल भी स्मॉलर होगा, लॉन्गर साइड के सामने वाला एंगल ग्रेटर होगा, राइट एंगल में याद करो, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है बहुआ, बहुआ बहुआ, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, और ये एंगल भी तो लार्जेस्ट होता है, एंगल भी तो लार्जेस्ट होता है, तो लार्जेस्ट साइड एंगल के सामने वाला साइड लॉन्गेस्ट होगा या फिर उसका उल्टा कर लो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ, लेकिन हाँ रिवाइज करना है राइट एंगल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।